थाना पोरसा क्षेत्र में मनियासी गांव के पास नौनिहालों से भरी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 15 से 20 बच्चों की चोट आई है। घायल बच्चों को इलाज के लिए पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और दो गंभीर बच्चों को इलाज के लिए मुरैना रेफर किया गया है। ये बस NAS इंटरनेशनल स्कूल की बस थी। जब ये घटना हुई तो बच्चों ने बताया कि बस का ड्राइवर बस चलाते समय मोबाइल से बात कर रहा था, तब ये घटना हो गई। ये बस स्कूल संचालक के द्वारा निजी बस लगाई गई थी। स्कूल संचालक ने कार्यवाही से बचने के लिए बस के कांच तोड़वा दिए और मीडिया के सामने बताया कि इस बस का एक्सीडेंट हुआ है। इस मामले की जानकारी मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास को लगी तो उन्होंने कार्यवाही के लिए मुरैना RTO को आदेश दिए हैं। ये संज्ञान में आया है कि एक प्राइवेट स्कूल का बस का जो है एक्सीडेंट हो गया है। अभी जो है कुछ बच्चे घायल हैं और 3-4 बच्चों को जो है मुरैना जिले में रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। पोरसा विकासखंड की घटना है। दो तथ्य अभी सामने आ रहा है कि एक तो जो स्कूल बस के रूप में जो बस संचालित की जा रही थी, दैट वॉज नॉट एक्चुअली अ स्कूल बस, क्योंकि स्कूल बस के कुछ क्राइटेरिया होता है चाइल्ड सेफ्टी को देखते हुए उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो इस पे जो है स्कूल प्रबंधन पे भी कार्रवाई की जाएगी और जो ट्रांसपोर्टर है उस पे भी कार्रवाई की जाएगी।